एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, ये शहर की, ये सिर्फ ये सिटी की जीडीपी 280 बिलियन है, जो कि भाई 160 कंट्रीज से ज्यादा है। यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। देखिए ये गांव के अंदर देख रहे हैं भाई, पोर्श, लैम्बोर्गिनी। देखिए भाई इस गली में 4-4 करोड़ की गाड़ी ऐसी नॉर्मल यहाँ खड़ी है भाई। I'm from India. You speak good English? Indians always speak English. हर और कैफेज देखिए यार, मतलब यूरोप फेल है भाई, यूरोप प्रो मैक्स है भाई ये जगह। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई चाइना की बहुत कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं चाइना की कुछ ज्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे नहीं मालूम था कि भाई चाइना ऐसा है, हम तो कुछ और समझते थे, कुछ और निकला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वक्त मैं हांजाओ चाइना। अगर आप लोगों ने मेरे पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि हम शंघाई से हांजाओ आ गए थे और बुलेट ट्रेन से आए थे। तो भाई उस वीडियो को इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस पर। तो यार इस वक्त जो मैं शहर में हूँ इसके बारे में आप लोगों को अगर थोड़ा बता दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। लिटरली जब मुझे मालूम पड़ा था खुद मैं यकीन नहीं कर रहा था। और एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, ये शहर की, ये सिर्फ ये सिटी की जीडीपी 280 बिलियन है, जो कि भाई 160 कंट्रीज से ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डेवलप्ड सिटी, और साथ ही साथ भाई इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोगों को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। और भाई मैं दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत सिटीज़ को विजिट कर चुका हूँ, जैसे कि भाई पेरिस, बार्सिलोना, इस्तांबुल भाई, लेकिन ईजिली इस शहर को ना भाई मैं अपने टॉप 5 में डाल सकता हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ आपको ये शहर एक्सप्लोर करके बताने के लिए। और इस वक्त हूँ मैं हमारे हॉस्टल में, देखिए मेमोरी ट्रैवल हॉस्टल। तो यार मैं इस सीरीज़ में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कहाँ मैं रुकता हूँ उसकी थोड़ी डिटेल दे दूँ, कि अगर आप आने का प्लान करो तो आपको इजी पड़ जाए थोड़ा सा। और देखिए सारा कुछ हॉस्टल के बाहर का माहौल है, थोड़ा सा मैं आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ। ये देखिए मेमोरी ट्रैवल हॉस्टल है, देखिए जो कि काफ़ी ठीक ठाक है भाई। तकरीबन मैं यहाँ ये हॉस्टल के दे रहा हूँ 800 रुपये, 750 से 800 रुपये, जो कि काफ़ी ठीक है यार। ये देखिए ऐसा कुछ है इसका बाहर का एरिया, ये देखिए, और ये रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे सारे रूम्स है। देखिए ये वाला मेरा रूम है। तो भाई चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस सिटी को निकलते साथ। देखिए ये मेरा पहला लुक है, जैसे आप लोगों को मैं दिखा रहा था पहले, ये हॉस्टल के बाहर का सारा नज़ारा देखिए। ये देखिए यहाँ, देखिए आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, ये ट्रेडिशनल घर जैसा है। जो बिल्डिंग है आप लोगों को नॉर्मली दिखेगी जैसे नॉर्मल हर जगह बिल्डिंग होती है, लेकिन उसकी जो एंट्रेंस है वो देखिए वो काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल की है। तो हमको चलना तो इस तरफ है, यहाँ चलते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं। और अलग अलग टाइप की आप लोगों को यहाँ बाइक दिखने मिलेगी, सारी इलेक्ट्रिक रहती है भाई। हाँ यहाँ के घर वगैरह आप देख सकते हो, दुकान घर सारे ट्रेडिशनल स्टाइल में भी है, यहाँ घर देखने आप लोगों को मिलेंगे। और भाई ये रोड के अगले वाले रोड पर हम चलेंगे तो वहाँ आप लोगों को इतनी सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स देखने मिलेगी। आप मतलब ये शहर जो है वो एकदम कम्प्लीट मिक्सचर है, जैसे मॉडर्न और एक साथ में ट्रेडिशनल शहर का। देखिए ये सारी दुकानें घर देखिए यार, मतलब सब ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हुए हैं। ये देखिए, और भाई यहाँ की जो सड़कें, ये यूरोप फेल है भाई, कसम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं यूरोप की बहुत सारे सिटीज़ में घूमा हूँ लेकिन इतना ज़्यादा साफ़ सफाई यूरोप में भी नहीं होती है। और यहाँ देखिए छोटी स्ट्रीट जो देखिए गली जैसी है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई। ये देखिए ट्रेडिशनल घर है सारे, आगे अपनी दुकान रखते हैं और पीछे इनका घर होता है। देखिए इधर घर है और ये सारी दुकानें हैं। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं। आप लोगों को बता रहा था यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। देखिए ये गांव के अंदर देख रहे हैं भाई, पोर्श, लैम्बोर्गिनी और क्या क्या कार लेके घूम रहे हैं लोग। लोगों को यहाँ मैं क्या समझाऊँ, इतनी ज़्यादा अलग अलग, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ देखने मिलती है। ये देखिए भाई ये है चाइनीज़ स्टाइल रिक्शा, जो कि भाई हर जगह चाइना में आप लोगों को ये देखने मिल जाएगा। और यार इस शहर में एक और शॉकिंग चीज़ देखने मिली है, यहाँ पर मुसलमान बहुत सारे, मतलब आप लोगों को क्या बताऊँ, ये पूरी गली में, ये पूरे शहर में इतने सारे मुसलमान हैं। आप चलते रहोगे आप लोगों को हलाल रेस्टोरेंट इतने सारे दिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देखिए ये मुसलमान की शॉप है, देखिए जो हरे में लिखे रहता है देखिए ऊपर हलाल लिखा हुआ है, जो चाइनीज़ में है इसका मतलब हलाल होता है। देखिए ये रेस्टोरेंट, देखिए ये हलाल रेस्टोरेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई यहाँ पर, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे भाई। आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ यहाँ के चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वो होते कैसे हैं, और बाकी सारा नज़ारा तो आप देख ही सकते हो, बहुत सफाई है यार ये सड़कों पे। तो चलते हैं अंदर। तो भाई देखिए हम आ गए रेस्टोरेंट में, ऐसा कुछ है रेस्टोरेंट। और मैं यहाँ पर पहले भी एक बार आ चुका हूँ क्योंकि यहीं मेरे पास में हॉस्टल है, तो यहाँ का मेरे पास मेन्यू आप देख सकते हो, यहाँ का मेन्यू है मेरे पास जो कि इंग्लिश में है। तो भाई मेन्यू में देख के ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पर भाई आप लोगों को वेज ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे वेज ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों को चाइना में एक सीन बहुत अलग देखने मिलेगा जैसे जो बाहर नहीं होता है, कि भाई अगर यहाँ आप वेज मंगाओगे तो वेज उल्टा महंगा रहता है, अगर आप नॉन वेज मंगाएंगे तो थोड़ा सा सस्ता रहता है लेकिन वेज महंगा रहता है, तो काफ़ी अलग है। तो इसमें से देखते हैं कुछ। तो भाई यहाँ मैं लिख के समझा रहा हूँ,
egg fried rice. Now you say. 没有鸡蛋炒饭，有葱花蛋炒饭，里面也有鸡蛋。 葱花。 Fried rice. 葱花蛋炒。 This country, no, not, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को. हाँ पुरी सब. कुछ बोल रहे समझ में नहीं आ रहे. Bring whatever you like. Okay. तो यार मैं एग फ्राइड राइस मंगा रहा था लेकिन ये बोले थे मैं कुछ रिकमेंड कर रही हूँ वो ट्राई करना बहुत अच्छा रहता है तो मैं समझ नहीं पा रहा था कब से आप जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत टाइम से मतलब ट्रांसलेटर समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहे थे फिर मैंने उनको लिख दिया कि भाई जो भी आपको आप रिकमेंड करो ले आओ कोई प्रॉब्लम नहीं मैं खा लूँगा तो देखते हैं भाई क्या आता है आते तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखिए भाई हमारा खाना आ गया है ये देखिए एग फ्राइड राइस और ये सूप है और साथ में भाई देखिए बिल 16 यौन भाई 16 यौन जो कि होते हैं तकरीबन 200 के अंदर ही होते हैं तो ठीक है यार तो भाई मुझे बहुत पहले से क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये चावल चॉपस्टिक से उठाते कैसे रहेंगे तो इनका जो चावल होता है ना भाई ये बहुत मोटा मोटा होता है मतलब ये ना एक ग्रुप जैसा रहता है वो बना देते हैं जैसा हमारा चावल सिंगल सिंगल खुले हुए रहते हैं तो यहाँ के ऐसे मतलब ये देखिए ऐसे हो जाते हैं तो इसलिए खा लेते हैं और साथ में चम्मच भी रहता है तो मैं भाई एकदम प्रॉपर नहीं हूँ उसमें धीरे धीरे सीख रहा हूँ देखिए ये ऐसे रहते हैं मतलब अपने यहाँ कैसा सिंगल रहते हैं देखिए सिंगल नहीं रहते हैं यहाँ पर तो टेस्ट तो काफ़ी ठीक ठाक है भाई तो टेस्ट तो काफ़ी ठीक ठाक है खाते हैं फिर निकलते हैं हम एक्सप्लोर करने खा के निकल गए हैं देखिए पीछे रेस्टोरेंट है वहाँ पर और भाई इस गली में जी वैगन वगैरह भी खड़ी हुई है भाई 4-4 करोड़ की गाड़ी ऐसी नॉर्मल यहाँ खड़ी है भाई वो देखिए भाई वहाँ पर फोटोशूट चल रहा है भाई यहाँ पर ये फोटोशूट का सिस्टम बहुत चलता है अभी देखना आगे भी दिखाऊंगा मैं आगे भी हरदम चलते रहते हैं अच्छा नहीं नहीं न्यूज़ रिपोर्टिंग जैसा चल रहा है देखिए उन लोग में वो लोग बोलेंगे भाई हम यहाँ चाइना का होके हम बड़ा कैमरा लिए हैं और ये किससे वीडियो बना रहे हैं तो यार हम चलते चलते हमारे हॉस्टल वाली जो गली थी एकदम एंड पे आ गए हैं ऐसा लग रहा है कि यूरोप के कोई स्क्वायर पे खड़े हैं आप देख सकते हो अगर आप यूरोप के वीडियोस देखे रहेंगे या फिर यूरोप गए रहेंगे तो आपको मालूम होगा भाई ये देखिए ऐसी बिल्डिंग यूरोप में ज़्यादा दिखने मिलती है और ये सारा नज़ारा देखिए यार काफ़ी शान सा माहौल है ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है बहुत सुकून देखिए भाई यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है ये न्यूली मैरिड कपल्स का शायद और यहाँ सामने देखिए एक स्टैचू भी है जैसे यूरोपियन स्क्वायर्स में होते हैं ना भाई वैसे बिल्कुल सेम लग रहा है तो चलते हैं हम ओ भाई क्या प्यारे से घर है यार ऐसे 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 अच्छे अच्छे घर आप लोगों को बहुत देखने मिलेंगे यहाँ पर हमको रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है ये देखो दादी जी कहाँ तो भाई इस सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं आप देख सकते हो अभी दिन का टाइम है फिर भी यहाँ बहुत कम गाड़ी देखने मिलेगी तो हमको यहाँ से जाना है यहाँ पर पास में एक लेक है जो कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है तो देखते हैं भाई वो लेक कैसी होती है वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है तो वॉकिंग करते करते जाएंगे और रास्ते में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है भाई मतलब ये टाउन के बारे में बता दूँ बहुत ही शांत है और लाइफ जो है काफ़ी स्लो है जैसे शंघाई यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है लेकिन यहाँ की लाइफ जो है काफ़ी स्लो है शंघाई जैसे फास्ट नहीं है और मतलब आप लोगों को नज़ारे देखिए यार मतलब काफ़ी शांत जगह है भाई और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है तो हमको रोड क्रॉस करना है अच्छा रोड क्रॉस करने के लिए देखिए भाई ये लगे हुए हैं एस्केलेटर लगे हुए हैं ऊपर क्रॉस करके उस तरफ जाना है तो ऐसे रोड क्रॉसिंग बंद है आपको ऐसे ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा एस्केलेटर पे तो यार काफ़ी अच्छा सिस्टम है भाई टेंशन नहीं मैं यहाँ से आया हूँ और ऊपर आते साथ इतना ज़्यादा अच्छा व्यू मिल रहा है भाई यहाँ से ये देखिए ये शहर का कितना ज़्यादा अच्छा व्यू देखने मिल रहा है और मेरा ख्याल है भाई ये मेन हाईवे जैसा है और भाई बिल्डिंग देखिए यार मेरे हिसाब से ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ देखिए ट्रेडिशनल घर जैसा कुछ है भाई चारों तरफ आप लोगों को बहुत ही अच्छा व्यू देखने मिलेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंगे हैं ये देखिए यहाँ पर इस साइड में बड़ी बिल्डिंग नहीं है छोटी छोटी बिल्डिंग है बहुत प्यारे से रोड आप लोगों को यहाँ देखने मिलेंगे उनको जाना है इस तरफ यहाँ से रोड क्रॉस करके और ये देखिए यार ब्रिज बना के रखे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना के रखे काफ़ी ज़्यादा वाइड है तो चलते हैं उस तरफ और यार यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिक्सचर है आप लोगों को मॉडर्न बिल्डिंग्स भी देखने मिलेगी और ट्रेडिशनल घर और छोटे छोटे घर भी देखने मिलेंगे और ये देखिए भाई यहाँ पे ब्रिजेस वगैरह देखिए भाई एक ब्रिज के ऊपर दूसरी ब्रिज है उसके ऊपर तीसरी उसके ऊपर चौथी मतलब क्या ही ज़्यादा एडवांस करके रखे हैं यार कितना सही लग रहा है फिर देखिए वहाँ छोटे छोटे एक जैसे घर हैं और यहाँ सारे लोकल क्रॉस कर रहे हैं ये ब्रिज सी तो चलते हैं भाई रास्ते में देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है और यहाँ देखिए भाई सिक्योरिटी देखिए कैमरे कितने ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे तो उतरते हैं भाई यहाँ से नीचे
क्या बात है यार। देखिए चाइनीज ट्रेडिशनल कुछ है यार। देखिए अभी मैं यहाँ सोच रहा हूँ, उतरते साथ भाई मैं एक चीज दिखाऊँ, ये जो आप लोगों को बिल्डिंग दिखा रहा था वहां से, मतलब ये ट्रेडिशनल कुछ घर टाइप जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कलमा लिखा हुआ भाई, ये एक मस्जिद है, तो इसकी एंट्रेंस ढूंढते हैं भाई, शायद इस तरफ से होगी कि या इस तरफ से होगी, देखते हैं। और यहाँ की भी सराउंडिंग देखिए यार, काफी मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे सर्बिया में सबोतिसा था ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। देखिए यूरोपियन स्ट्रीट जैसी लग रही है। चलते हैं देखते हैं यहाँ से एंट्रेंस है कि नहीं। काफ़ी शांति यार, काफ़ी अच्छे आप लोगों को यहाँ दुकानें मिल जाएगी कपड़ा की। हाँ यार ये दरवाज़ा है, तो भाई यहाँ से तो दरवाज़ा खुला नहीं है, देख सकते हो आप बंद है। और यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है कि जैसे देख सकते हो आप, सैटरडे से थर्सडे ओपन रहता है खाली, और हर जुम्मा एवरी फ्राइडे क्लोज रहता है, तो 5 बजे तक खुले रहता है। अभी तो 5 भी नहीं बजे, बंद क्यों है लगता है, अगला वाला गेट से जाना पड़ेगा। आप हम चलते दूसरे वाले गेट पे, लेकिन एंट्रेंस समझ में नहीं आ रही कहाँ से, तो मैं एक लिख लिया हूँ कि भाई मॉस के एंट्रेंस कहाँ से है, चाइनीज़ में कन्वर्ट कर लिया हूँ, पूछते हैं भाई किसी से। एक दरवाज़ा तो दिख रहा है यहाँ पर, क्या ही अच्छा व्यू आ रहा है यार, तो पूछते हैं लोग इनसे पूछते हैं। तो भाई इनसे पूछा, ये तो बता नहीं पा रहे हैं, पूछना पड़ेगा किसी और से, कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, किससे पूछें। हाँ भाई हर गाड़ी इलेक्ट्रिक है। ओके यू शुड, तो भाई लोग देखिए आप कितने अच्छे हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया। You speak good English? No. My major was English. You're? In the university. Ah, okay. But I can speak a little. Yeah, you can speak good. So Indians always speak English. Yeah, a lot of English. Normally. Yeah, normally. Everyone can speak a little English. At least a little English. So you are born in India? Yeah, I am born in India. In Mumbai. I'm from Mumbai. Mumbai. You know Mumbai? Mumbai. Yeah, the city. Yeah. The famous city. Yeah. I'm making a video. Oh, yeah, your video. What is the name? What is the name? Fuhuangshi. That's where you want to go. Fuhuangshi. Fuhuangshi. देखो ये मस्जिद का नाम है, बता रहे हैं। Yeah. This way. Okay. तो भाई कितने ज़्यादा helpful लोग हैं, मैं पूछा खाली address दिखाया, मत बताया। Making video for YouTube, you know YouTube? YouTube. Video. YouTube, oh I see. Yeah. Yeah, for YouTube but I'm making. We cannot. Chinese, in China it's banned. Yeah. This way. This way? This is a door, but I don't know. Yeah. मैं तो इधर आया था भाई, ये तो बंद था. Friday rest, but from. I don't know. Why it is locked? It's closed. Yeah. I think it's closed. Yeah, it's closed. I don't know why. Oh, it is now in maintenance. Okay, okay. In maintenance. अच्छा अच्छा, तो भाई maintenance में इसलिए बंद है. So, stop to open. Okay. Cheche. This is very famous road. This is very famous road? Yeah, from this very people famous. What is the name of this road? It's not South Song Dynasty. South Song Dynasty. The road, the emperor is walking. Okay, emperor road, walking. Yeah. Ah, so this road has a lot of history, historic. So it's very famous. Yeah. You can go on. Okay. About 200 or 300 meters. Mm-hmm. And also, Gu Lou. It's a door. I'll come here. At this side. Also, a very famous story. You can go straight on. Okay, so ये बता रहे हैं कि let me translate in Hindi, in Indian language. तो ये बता रहे हैं कि ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत हिस्टोरिक है, यहाँ कोई डायनेस्टी के लोग यहाँ रहते थे, चलते फिरते थे, तो बहुत फेमस रोड है। आप थोड़ा आगे तक जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आगे चर्च भी है, तो चर्च भी देखते हैं कैसी होगी। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई यहाँ पे, और लोग कितने ज़्यादा हेल्पफुल है। शीशे I live nearby. तो ये आसपास में रहते हैं, तो वहीं जा रहे हैं, तो मुझे बता देंगे, फिर अपना घर निकल जाएंगे। चाइनीज पीपल आर वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस पीपल, चाइनीज पीपल वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? नेम माय इंग्लिश हैव अ इंग्लिश नेम चेरी चेरी एंड द चाइनीज नेम इज अ लिटिल बिट
difficult to pronounce. Cherry. Yeah, very difficult to pronounce. Okay, so I got the cherry. English name cherry. 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 Yeah, cherry. Thank you. Thank you. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई, बहुत ही अच्छे लोग हैं यार, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जैसे इनका नाम था चेरी और ये आसपास में रहते थे, थोड़ा सा यहाँ मुझे गाइड कर दिए। यहाँ कैफ़ेज़ देखिए यार, क्या मस्त मस्त कैफ़ेज़ हैं। और ये कोई तो जगह की भाई, जगह की एंट्रेंस है भाई, ट्रेडिशनल प्लेस लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो चलते हैं, देखते हैं और ये जगह का नाम लिख के आ जाएगा नीचे क्या है, तो देखते हैं आगे और क्या देखने मिलता है। तो यार थोड़ा सा आगे घूमते हैं, फिर हम निकलेंगे हमारे जो हमको जाना था वो लेक के पास में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई। हर जगह यहाँ पर फोटो शूट चलते रहता है, देखिए हर जगह सिर्फ फोटो, लोग फोटो शूट करवाते रहते हैं। और फोटो शूट करवाने वाली जगह ही है भाई, इतनी ज़्यादा अच्छी है यार, हर जहाँ देखिए भाई। तो यार मैं ये वाली स्ट्रीट पे चलता था जो रेकमेंड कर रहे थे मुझे अभी, और यहाँ चलते चलते भाई मुझे एक पतली सी गली दिखी है यार, तो यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं भाई ये कैसी है, कितनी ज़्यादा पतली सी गली है, क्या बात है यार। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ भी ऐसी रहेगी गलियाँ, लेकिन कितनी अच्छी लग रही है यार। तो देखिए भाई वो स्ट्रीट पर मैं चलते चलते एंड तक आ गया, और यहाँ पर एक और वहाँ से स्ट्रीट चालू हो रही है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हम चलते हैं। देखिए भाई क्या अच्छा घर है यार, तो हम चलते हैं भाई इस तरफ। तो भाई जो स्ट्रीट बताए थे वहाँ पे थोड़ा सा मैं चला, यूरोपियन वाइब्स आ रही है भाई, पूरी यूरोप की वाइब आ रही है। तो अब चलते हैं हम यहाँ की लेक के पास, फोटो में अच्छी लगी भाई, इसलिए मुझे पर्सनली वहाँ जाने का मन कर रहा है। तो पहले वहाँ चलते हैं, क्योंकि भाई दिमाग में एक बन गया है कि पहले लेक जाएंगे, फिर भी कहीं फिर उसके बाद कहीं एक्सप्लोर करेंगे अगर टाइम बचता है तो। यहाँ पर भी देख सकते हो भाई साइकिल का बहुत अच्छा सिस्टम है, बारकोड स्कैन करिए और साइकिल ले जाइए भाई, पूरे चाइना में ये सिस्टम है यार, बहुत ही अच्छा रहता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अलीपे या फिर वीचैट से यहाँ स्कैन करो और साइकिल लेके जाओ, कितनी सारी रखी हुई है भाई और हर जगह ऑलमोस्ट दिख जाती है आपको ये। तो भाई गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया था, तकरीबन पौने घंटे से घूम रहा हूँ ऐसी गलियों में, लेकिन भाई मज़ा ही आ रही है, इसलिए मैं ज़्यादा वो भी नहीं किया, मैं घूम ही रहा हूँ इसी में। ऐसे सारे कुछ नज़ारे हैं भाई, हरियाली बहुत मस्त है, और इतने ऐसे अच्छे अच्छे घर दिख रहे हैं बहुत सारे भाई, हरियाली देखिए कितनी ज़्यादा है भाई इस एरिए में, देखिए। तो लगभग हम लेक के पास पहुँचने वाले, और इधर का एनवायरनमेंट देखिए भाई, इस शहर में हर थोड़ी थोड़ी जगह पर ना अलग अलग एनवायरनमेंट आप लोगों को देखने मिलेगा, कहीं लंबी बिल्डिंग, कहीं अलग कुछ। इस जगह का एनवायरनमेंट देखिए, ऐसा लग रहा है भाई यूरोप के कोई टाउन में आए हुए हैं। और यहाँ लोग देखिए भाई, यहाँ लोग साइकिल पे दिखेंगे आप लोगों को, बहुत लोग साइकिल पे दिखेंगे, और सफाई वगैरह तो आपको मैं क्या ही बताऊँ, आप देख ही सकते हो भाई, हरियाली सफाई यहाँ एकदम परफेक्ट है यार। और यहाँ के जो घर है भाई, ये देखिए यहाँ के घर और कैफेज दो, वो तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार। ये भाई इतने गुस्से में क्यों है, यूरोप फेल है भाई, यूरोप प्रो मैक्स है भाई ये जगह। पहली बार अपनी ज़िंदगी में पॉश का शोरूम देख रहा हूँ, ये देखिए भाई क्या बात है यार, हर बड़ी बड़ी कार का यहाँ शोरूम है भाई, मैं पीछे भी एक दो देखा लेकिन यहाँ पॉश दिखे तो मैं रुक गया भाई, क्या बात है यार, देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। एक चीज़ मैं अभी नोटिस किया है, हर पेड़ देखिए गुलेल जैसा हो गया है, देखिए यू बन गया है, हर पेड़ ऐसी है भाई, मतलब ये पेड़ कौन सा है, सब यू बन गया, देखिए वी पेड़ नाम है इसका, देख सकते हो भाई यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज। और हम पहुँच गए हैं भाई लेक के एकदम सामने, बहुत ही मतलब शाम का टाइम हो गया है, बहुत ही अच्छी शाम हुई है भाई, भाई ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े से लोग हैं बीच में भाई, देखिए एक भैंस को डुबाए हुए हैं आधा, ये देखिए एक भैंस है डूब रहा है आधा, और नज़ारे तो काफ़ी ठीक ठाक है यार। बस यहाँ पर एक जगह मिल जाए कहीं बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, मज़ा आ जाएगी भाई। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रिज दिख रही है, ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं, देखते हैं भाई वहाँ पर क्या मिलता है। तो भाई यहाँ थोड़ा बैठते हैं, फिर हम चलेंगे ये हंजाओ के मॉडर्न पार्ट में, देखते हैं भाई वो कैसा होता है। और यहाँ तो भाई देखिए ज़्यादातर चाइनीज़ टूरिस्ट ही आप लोगों को यहाँ देखने मिलेंगे। ओहो भाई अंदर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं यार, ये पता नहीं भाई उसके अंदर है, देखिए घर जैसी नाव। अभी मूड नहीं है भाई नाव वगैरह में बैठने का, अभी मूड है कि कहीं बैठे भाई वहाँ, कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पिए बैठे, आराम से व्यू एंजॉय करें शाम का टाइम है, फिर हम चलेंगे भाई जो यहाँ का मॉडर्न पार्ट है वहाँ चलेंगे। सारे चाइना के टूरिस्ट है भाई, कोई बाहर का नहीं है। सामने से हटो, 500 साल पुरानी ब्रिज। इस तरफ देखिए भाई ये सीट बना के रखे हैं बैठने के लिए, और यहाँ देखिए भाई एक कॉफ़ी शॉप दिख रही है, क्या नज़ारा है यार यहाँ से। तो भाई ये सिटी शंघाई जैसी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ एकदम शांत है यार, एकदम शांत है, लोग आराम से बैठे हैं, वेदर इंजॉय कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छी है यार।
देखिए एक तो सो गई है यहीं पे। तो जैसा आप लोगों को दिखाया था भाई, लेक के बिल्कुल इस तरफ एक एक कॉफ़ी शॉप तो नहीं लग रही है, मतलब यहाँ आइसक्रीम वगैरह जूस वगैरह है। तो यहाँ कुछ देखते हैं, यहाँ पर जूस है, यहाँ पर आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ मिलेगी। मैं ये की ऑर्डर किया, पता नहीं क्या था ये मैंगो कोकोनट सागो, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, तो ठीक दिख रहा था यार, तो मैं एक ऑर्डर किया हूँ। लेते हैं फिर उसके बाद। यहाँ देखिए बैठने की बहुत सारी जगह है, इस तरफ कहीं बैठेंगे, और भाई ये सामने ही लेक है। तो देखिए भाई हमारी ड्रिंक आ गई है, सुकून से भाई सनसेट तक यहीं बैठते हैं। और यहाँ देखिए भाई, ये कि आपको हर जगह देखने मिलेगा चाइना में, यहाँ पावर बैंक रहता है, यहाँ से स्कैन करिए भाई और निकाल लीजिए पावर बैंक, चार्जिंग कर लीजिए। तो यार यहाँ बैठे बैठे शाम हो गई है, 7:30 बज गए, बहुत ही ज़्यादा सुकून था भाई, बहुत ही आराम किया भाई, बहुत सुकून वाली जगह है आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। और हांझो भाई, मतलब बहुत सारी जगह नहीं है यहाँ घूमने के लिए, लेकिन यहाँ जो वाइब है ना भाई, यहाँ जो सुकून है ना भाई, वो बहुत ही अलग लेवल का यार, मतलब। तो भाई पीछे लेक से निकले, और पीछे बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे जैसे सामने दिख रही है, बहुत ही ख़तरनाक कार के शोरूम दिख रहा है यार, यहाँ एक से एक कार का शोरूम है, लेकिन सामने भाई स्पोर्ट्स कार दिख रही है सारी। और ये कोई भाई ये फेमस ब्रांड नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, कोई लंबोर्गिनी फरारी नहीं, कोई दूसरा ये जो चाइनीज़ ब्रांड लग रहा है, देखते हैं भाई कौन सी कार है, बहुत मस्त लग रहा है। और भाई पीला मेरा फेवरेट है, तो येल्लो कलर की आगे कार खड़ी है, देखते हैं भाई कौन से ब्रांड की। क्या मस्त लग रही है यार, मतलब जितनी तारीफ करो दूर से क्या दिख रही है यार। और भाई तुमको एक चीज़ मालूम, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, देखिए यहाँ भी, ये कौन सा तो ब्रांड है यार, कौन सा है क्या पता भाई, लोटस नहीं हो, इसकी गाड़ी देखिए भाई, जो एक्सयूवी है ये उसके ऐसे दिख रही है, जो लंबोर्गिनी की गाड़ी ना उरुस होती है वैसी है यार, मतलब। और सारी इलेक्ट्रिक है, देखिए नंबर प्लेट पे सब इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं यार। और भाई क्या क्या मस्त है यार, क्या डिज़ाइन यार, लंबोर्गिनी यूरुस होती है ना सेम, बिल्कुल वैसी दिख रही है लोटस न्यू। तो भाई ये सारे ब्रांड के बारे में तो भाई मैं तो इंडिया में कभी नहीं देखा ये, और शायद दुबई में भी मैं ये कार कभी नहीं देखा। तो यार चाइनीज़ लोकल है कि क्या है, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो भाई कमेंट करके बताना कि ये कहाँ का ब्रांड है भाई, मैं तो पहली बार देखा। लेकिन कार जो है यार ख़तरनाक है यार, ख़तरनाक है। तो अभी शाम का टाइम हुआ है, आप लोगों को कैमरे में बराबर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ का जो माहौल हो गया ना भाई, वो बहुत ही अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया। तो वीडियो बना के आगे ही निकला, यहाँ पे एक और कार का ब्रांड जीकर, क्या बात है यार, ये भी गाड़ी के बारे में मैं कभी नहीं सुना। तो यार यहाँ अलग अलग ब्रांड की गाड़ी दिखती है, देखिए ये पता नहीं कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, देखिए ओ भाई ये क्या चीज़ है, ओ भाई, और ये ब्रांड का नाम देख लो भाई। और ये ब्रांड के बारे में भी मैं नहीं सुना भाई, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो बताना भाई, मतलब चाइना में अलग ऐसी ऐसी गाड़ी, और ये भी इलेक्ट्रिक है, हाँ ये भी भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ इतनी ज़्यादा चलती है, और ब्रांड इनके पास खुद का ब्रांड है भाई, ये भी कहाँ का ब्रांड है भाई, कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि भाई मुझे कार की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई जो मतलब दिखने में इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना ये कार सारी। यार ये मुझे हांझो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसमें क्या था, और दूसरी सिटीज़ में तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें, लेकिन भाई इस शहर में सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, मतलब ये शहर मॉडर्न भी है, साथ ही यहाँ ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लेक है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, और साथ में आप लोगों को ट्रेडिशनल चीज़ें भी देखने मिलेगी, मतलब यहाँ पर यूरोपियन टच भी मिल जाएगा, और साथ में भाई यहाँ ग्रीनरी वगैरह बहुत ही अच्छी अच्छी देखने मिलेगी। और जो यहाँ का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना भाई, वो भी कड़क है यार, यहाँ देखिए जगह जगह पर से ना वेंडिंग मशीन लगे रहेगी। और ये देखिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, कैमरा घुमाया, देखिए खतरनाक यार, ये देखिए क्या बात है। और यहाँ भाई हर बड़ी बड़ी बड़े ब्रांड की होटल है ना, सारी आप लोगों को देखने मिलेगी, देखिए सामने बड़ा सा एडिडास का शोरूम, ये देखिए कार ना भाई, यहाँ पर बहुत तगड़ी तगड़ी कार है। और ये क्या है, ये देखिए एक छोटा सा मॉल जैसा है, देखे गाड़ी देखिए भाई, जीप रूबिकॉन। और मुझे रोड क्रॉस करना है, अभी इस रोड से उस रोड जाना है, ये भाई यहाँ से अंडरग्राउंड सबवे बना हुआ है। अरे भाई साहब, अरे यार एक और कार का शोरूम, क्या क्या बात है यार, ये कौन सा ब्रांड है, बाप रे, अरे यार, अरे भाई साहब ये गाड़ी देखिए भाई, यहाँ तो कार के लोग दीवाने एकदम खतरनाक वाले। ये देखिए ये कौन सा ब्रांड है, और कलर कितनी अच्छे अच्छे कार के, देखिए ये तो सारा चाइनीज में लिखा हुआ है, इसका ब्रांड के बारे में भी नहीं मालूम भाई, यहाँ लोग कार के लिए पागल हैं भाई, और एक से एक ब्रांड है खतरनाक, मतलब जो कभी ज़िंदगी में देखी नहीं ना वो यहाँ गाड़ियाँ देखने मिलेगी।
क्या बात यार, वो वाली होता है ना लंबोर्गिनी में जो दरवाजे खुलते हैं, वैसे वाले दरवाजे हैं। तो हमको उस रोड पे जाना है, तो अंदर से जाना पड़ेगा। तो भाई देखिए ऐसे कुछ है यहाँ के सबवे, मस्त है यार, मतलब एकदम प्रॉपर बने हुए, साफ सफाई बहुत अच्छी है। हमको जाना है यहाँ से ऊपर, उस साइड निकल जाएंगे फिर हम। तो यार आपका कभी शंघाई चाइना आना हुआ तो भाई हांजाओ जरूर आना, 50 मिनट लगेगा सिर्फ बुलेट ट्रेन पकड़िए, डायरेक्ट हांजाओ आ जाएगी। चाइना में भी भाई कुछ फेमस सिटीज़ हम जानते हैं, जैसे कि शेंजन हो गई, बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, लेकिन इस शहर के बारे में, हांजाओ के बारे में तो मैं खुद नहीं सुना था। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शहर के बारे में सुने ही नहीं होंगे, लेकिन भाई ये जो सिटी है ना भाई, बहुत ही अच्छी है। आप लोगों के यहाँ ट्रेडिशनल चाइनीज़ घर भी देखने मिलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को मॉडर्न बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा। देखिए ये जैसे होटल, ये देखिए, और साथ ही साथ आप लोगों के यहाँ ग्रीनरी और नेचर भी बहुत अच्छा देखने मिलेगा। तो यार ये परफेक्ट, यहाँ की जो वाइब है ना यार, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं इसकी इतनी तारीफ किया। शायद मैं चाइना की दूसरी सिटीज़ विजिट करूँगा तो मेरा माइंड चेंज हो जाए, वो भी अच्छी लगने लग जाए, लेकिन अभी तक तो ये ठीक है यार, ये अच्छी लग रही है। तो ये था सारा कुछ हांजाओ का टूर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई चाइना की बहुत कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं चाइना की कुछ ज़्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे नहीं मालूम था कि भाई चाइना ऐसा है, हम तो कुछ और समझते थे, कुछ और निकला। तो इसलिए भाई यहाँ आने के बाद शौक लग रहा है कि यार क्या बात है यार, चाइना इतना ज़्यादा डेवलप, मतलब उसकी बड़ी सिटीज़ छोटी सिटीज़ सब इतनी परफेक्ट है। तो देख के ना भाई आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं शौक हो गया हूँ। तो इसलिए भाई इसकी इतनी तारीफ निकली, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे दिन जाएगा तो तारीफ़ कम भी हो सकती है, और शायद दूसरा पार्ट शायद चाइना का विजिट करूँ तो वो देखेंगे कैसा होता है क्या होता है। तो यार रात कुछ ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से जो सबसे मेन मॉडर्न पॉइंट है हांजाओ का, वो ही हम आप लोगों को दिखा नहीं पाया। सिटीजन सेंटर जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, वहाँ आप लोगों को बहुत सारे स्काई स्क्रैपर, बहुत ही अच्छी अच्छी मॉडर्न बिल्डिंग्स देखने मिलेगी, बट टाइम कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ जा नहीं पाए। नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको भी कवर करेंगे। जब तक आप स्क्रीन पर थोड़ा सा उसका व्यू देख सकते हो, यार बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बिल्डिंग्स थी वहाँ पर। तो ये वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो भाई आप लोगों को मालूम है क्या करना है।